फेरों के समय महाराज नियम रहता है कि जब कुछ फेरे हो जाया करते हैं तो कन्याओं के द्वारा कुछ दूल्हे राजा से मांग की जाती है, सभी लोग अवगत होंगे। इसी प्रकार माँ पार्वती जी की सखियां भी मांग करती हैं। शंकर जी नंदी से बोले, अरे नंदी ये क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या मांग रहे हैं। नंदी बोले, प्रभु आपकी जो सबसे प्रिय वस्तु है वो ये आपसे मांग रहे हैं। अब दुनिया वालों की महाराज सबसे प्रिय वस्तु धन हुआ करती है, तो धन मांगते हैं। वहां नंदी जी बोले कि आपकी सबसे प्रिय वस्तु मांग रहे हैं। शंकर जी सोचने लगे, वैसे तो हमें सभी प्रिय हैं, परंतु जब तुम हमारा श्रृंगार कर रहे थे ना तो एक चमकीला बिच्छू मुझे बड़ा प्रिय लगा, जो मैंने अपने पास अपने हाथ में ही रख लिया था। तुरंत महाराज अपना हाथ उठाते हैं और सखी का हाथ पकड़ करके, लो ये मेरी प्रिय वस्तु है। सखी बड़ी प्रेम से ले लेती है, हाथ खोल के देखती है तो महाराज वही बिच्छू शंकर जी के मुख पर फेंक कर रोती हुई भीतर जाती है, प्रभु जान बची। शंकर जी बोले, अरे नंदी इन्होंने ये मेरी प्रिय वस्तु वापस क्यों कर दी। नंदी बोले, प्रभु न जाने होगी इनकी कोई रीति रिवाज, इनका कोई नियम होगा कि जो दूल्हे राजा देते होंगे वो वापस उन्हीं को देना पड़ता है, इसीलिए शायद वापस कर दिया। इस प्रकार से विभिन्न कौतूहल श्री भोले बाबा जी के विवाह में हुए हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, अगर अनेक कल्पों तक उनका वर्णन किया जाए तो भी भगवान शंकर जी के विवाह के कौतूहलों का वर्णन नहीं किया जा सकता है। बड़े ही विधि विधान के साथ विवाह पूर्ण हुआ है। माँ मैना जी पार्वती जी को विदा करती हैं, बड़े सुंदर संदेश देती हैं, ये पुत्री करे हो सदा शंकर पद पूजा, करे हो सदा शंकर पद पूजा, करे हो सदा शंकर पद पूजा, करे हो सदा पार्वती जी को सुंदर स्त्री के धर्म के विषय में बताती है कि पार्वती जी मैं जानती हूँ आप जगदम्बा हैं, परंतु एक माँ का क्या कर्तव्य है, मैं उस कर्तव्यों को पूर्ण कर रही हूँ और इसीलिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ
करे हूँ सदा शंकर पद पूजा, कि हमेशा शंकर जी के चरणार बिंदु की पूजा किया करना, क्योंकि नारी धर्म पति देव न दूजा। नारी का सबसे पहला धर्म अपने पति के चरणार बिंदु की सेवा पूजा है। इस प्रकार से बड़ी सुंदर शिक्षा देकर के विदा करती है। प्रत्येक माँ का यही कर्तव्य है कि अपनी कन्याओं को इसी प्रकार की शिक्षा देकर के विदा करे, ताकि वह अपने ससुराल में जाकर के अपने गृहस्थ जीवन को खुशहाल तरीके से जी सके, सभी लोग प्रसन्न रह सके। माँ मैना जी ने बड़ी सुंदर शिक्षा पार्वती जी को दी है, विदा किया है। भोलेनाथ जी अपनी बारात के सहित कैलाश में बड़ा सुंदर नृत्य करते हुए प्रवेश करते हैं। सभी गण लोग श्रद्धा के साथ भगवान श्री भोले बाबा जी के चरणार बिंदों में भाव रख रहे हैं कि प्रभु हमें तो केवल आपके ही विवाह में नृत्य करना है, दुनिया के विवाहों में नृत्य करके कोई फायदा नहीं है। इसीलिए बड़ी श्रद्धा के साथ गा रहे हैं। हम सभी लोग भी श्रद्धा के साथ गान करते हुए भोले बाबा जी के विवाह में नृत्य करते हुए, क्योंकि महाराज जब भूत प्रेतों को भी इतना विवेक है कि ऐसा सौभाग्य करोड़ों जन्मों के भाग्यों के फल से मिलता है, तो फिर क्यों गंवाया जाए। तो आप सभी लोग भी इस अवसर का लाभ उठाते हुए भोले बाबा की बारात में शामिल होते हुए कैलाश को जा रही है वापस। सभी लोग गा रहे हैं, सभी लोग हमारे साथ गान करेंगे। नी मैं नचना, नी मैं नचना बोले बढ़िया मेरा।
शंकर जी महाराज की, श्री पार्वती मैया की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। महाराज बड़ा सुंदर विवाह भोले बाबा जी का और माँ पार्वती जी का संपन्न हुआ है। बड़ा सुंदर गृहस्थ जीवन माँ पार्वती जी और श्री शंकर जी कैलाश पर रह कर के व्यतीत कर रहे हैं और हम सभी लोगों को एक सुंदर संदेश दिया है कि यह जरूरी नहीं है कि व्यक्ति केवल धन के माध्यम से ही अपने जीवन को सुखमय बना सकता है, अपने गृहस्थ जीवन को सुखमय बना सकता है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार जो चार आश्रम बताए गए हैं, ब्रह्मचर्य, प्रारंभ में महाराज वानप्रस्थ और गृहस्थ, जो ये तीन प्रमुख और अंतिम में एक सन्यास आश्रम, इन चार आश्रमों का जो शास्त्रों में वर्णन किया गया है उनमें अगर सबसे सुंदर और सबसे प्रमुख कोई आश्रम बताया गया है तो वो गृहस्थ आश्रम बताया गया है। परंतु उसको सुखमय कैसे बनाया जाए, यह हमें श्री शंकर जी ने और पार्वती जी ने सिखाया है और बड़ा सुंदर संदेश देते हुए हमें कहते हैं कि गृहस्थ जीवन कब सुखी हो सकता है। तो बड़ा सुंदर नीति शास्त्र में कहते हैं, कार्येषु मंत्री वचनेषु दासी भोजेषु माता शयने तुरंभा धर्मानुकूले क्षमया धरत्री भार्या च षड्गुण्यवती च दुर्लभा। कि कार्य सुमंत्री, जो स्त्री अपने पति के कार्य में एक मंत्री के समान भूमिका निभाए, जिस प्रकार से एक राजा का मंत्री अपने राजा को राज्य के निमित्त विभिन्न प्रकार की सलाहें देता है कि प्रभु अगर आप ऐसा करेंगे तो शायद ये ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक इसी प्रकार एक स्त्री जब अपने पति के कार्य में उसको विभिन्न प्रकार की योजनाएं बताए कि अगर आप ऐसा करेंगे तो शायद आपका व्यापार अच्छा होगा, इस प्रकार की भार्या, क्योंकि महाराज आजकल दिन भर प्रपंच करने वाली भारियाँ बड़ी सरलता से मिल जाएगी, लेकिन इस प्रकार की भारियाँ, ये बात मैं नहीं कह रही, नीति शास्त्र कह रहा है कि कार्येषु मंत्री, कार्य में मंत्री की भूमिका निभाने वाली, और दूसरी वचनेषु दासी, जो पति ने कह दिया है उसको उस बात को सिरोधार्य जान करके अपना सर्वस्व जान करके स्वीकार करे, ऐसी भार्या, और भोजे तो माता, भोजन के समय में साक्षात माँ के समान जो भोजन कराए, ऐसी भार्या, और शयने तो रंभा, शयन के समय में रंभा के समान धर्मानुकूले क्षमया धरत्री, और धर्म के अनुकूल धार्मिक प्रसंगों में रुचि रखने वाली, इस प्रकार की भारिया का मिलना दुर्लभ है। स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि षड्गुण्यवती च दुर्लभा, इन छह गुणों से युक्त धर्म पत्नी का मिलना अत्यधिक दुर्लभ है। निवेदन है महाराज, कृपया वार्तालाप न करें,
हम लोग महाराज यही बोल कर जाते हैं। जब शास्त्र हमें हमारे जीवन जीने के कुछ प्रमुख मार्ग हमें बताते हैं ना, उस वक्त हम लोग बातों में लग जाते हैं। फिर कहते हैं कथा में तो कुछ आनंद ही नहीं आया, वहां पर तो यही सुनाया गया शंकर जी का विवाह कैसे हो गया था, अब हमें उससे क्या मिलेगा। महाराज वो आपको बहुत कुछ देगा, पर आप लोग श्रद्धा से सुनो तो। अब महाराज एक बात यहां सुनी, 10 बातें पड़ोसी की सुनी, तो फिर कोई फल मिलने वाला नहीं है। आधा अधूरा ज्ञान घातक जरूर हो जाएगा, इसलिए महाराज श्रद्धा से श्रवण कीजिए। बातों के लिए पूरा जीवन पड़ा है, ये नहीं महाराज कि आप लोग 6 साल की बातें अगर 6 साल से मिले नहीं है वो भी कथा भी पूरी करें, कभी और मिल लेना, कहीं और मिल लेना। श्री शंकर जी और माँ पार्वती जी अपने गृहस्थ की सुंदर सुंदर लीलाएं करके हम लोगों को प्रेरित करते हैं किस प्रकार से गृहस्थ आश्रम को जिया जाता है। पार्वती भल अवसर जानी, माँ पार्वती जी सुंदर अवसर जान करके गई शंभु पाही मात भवानी। श्री शंकर जी के समीप में माता भवानी जी जाती हैं और कहती है कि प्रभु मैं जानना चाहती हूँ कि जिस राम के विषय में आप चर्चा करते हैं, आप अक्सर जिनका नाम लिया करते हैं, इन प्रभु का अवतार कैसे हुआ और क्या कारण था कि भगवान को मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ा। तो भगवान बड़ा सुंदर प्रसंग सुनाते हैं। यहां से अब राम कथा का प्रसंग प्रारंभ हुआ है, बड़ा सुंदर कह रहे हैं तुलसीदास जी महाराज, वर्णन कर रहे हैं। मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, द्रव समान।